हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां से फॉर्मेट मेनू पार्ट थ्री के बारे में। इस पार्ट थ्री में आज मैं आपको बताऊंगा पेज स्टाइल के बारे में, टाइटल पेज की कैसे आप फॉर्मेटिंग करते हैं, पेज स्टाइल पेज की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आप कमेंट्स कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, साथ ही साथ कॉलम्स को कैसे बनाते हैं, इस कॉलम्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वाटरमार्क क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पेज की फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से पेज स्टाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज स्टाइल पर क्लिक करेंगे, पेज स्टाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज स्टाइल, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन है। इसमें आप ऑर्गेनाइज़र पे जा करके यहाँ से आप अपने पेज का क्या नाम देना चाहते हैं, यहाँ से आप नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद आप यहाँ से पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पेज की सेटिंग का मतलब, आप यहाँ से आपके पेज का कौन सा पेपर रहेगा, आप यहाँ से जिस भी पेपर पर आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं आप इसे चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ से लेटर या A4 या A3, जैसा भी आप पेपर चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से पेपर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अपने पेपर की विड्थ कितना रखना चाहते हैं, कितना हाइट रहेगी, ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको पेपर का नाम नहीं मालूम है तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहते हैं, यदि अगर आप पोर्ट्रेट रखेंगे तो ये आपको लंबे पेज में दिखाई देगा, यदि अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो ये आपको चौड़े पेज में इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप जैसा भी ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं ओरिएंटेशन रख सकते हैं। इसी के साथ आप इसको मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे मार्जिन पे देख रहे हैं, चारों तरफ ये बराबर है। आप मार्जिन क्या होती है, ये जो आपके टेक्स्ट होते हैं और ये टेक्स्ट और ये पेपर, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग, इसी को मार्जिन कहते हैं। और ये लेफ्ट में भी होता है, टॉप में भी होता है, राइट भी होता है और बॉटम भी होता है। तो ये चारों दिशाओं में आप कितना स्पेसिंग को सेट करना चाहते हैं, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसे सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे मैं आपको यहाँ पे एरिया के बारे में बता देता हूँ। यदि अगर आप इस पर कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरिया में जा करके अगर आप नन करेंगे तो किसी भी प्रकार का कलर नहीं होगा। इसी तरह से आप कलर पे जा करके यहाँ से कौन सा कलर देना चाहते हैं ये कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ करने के बाद यदि अगर आप चाहेंगे ग्रेडियंट देना तो आप ग्रेडियंट भी यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप इसको एंगल को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इस बॉर्डर को भी आप यहाँ से चाहे तो बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसा भी सेटिंग आपको करनी होगी आप इससे सेट कर सकते हैं। कलर वगैरह ये सब कुछ आप बदल सकते हैं। यहाँ से आप टू कलर भी बदल सकते हैं। ये सभी सेटिंग जैसा भी आपको करना होगा आप सभी सेटिंग को करके करने के बाद आप यहां से आगे भी बढ़ सकते हैं। बिट मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर आपको ये ग्रेडियंट पसंद है तो ग्रेडियंट लगा सकते हैं, नहीं तो आप बिट मैप पे आएंगे। बिट मैप पे यहां पे देखिए आप ये सभी बिट मैप लगा सकते हैं। इसमें बहुत से बिट मैप है, आप किसी भी बिट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टाइल्ड में यहाँ पर देखना चाहते हैं तो टाइल्ड के रूप में देख सकते हैं, स्क्रेच के रूप में भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से जैसा भी चूज़ करेंगे यहाँ पर आप इसके इसी के अनुसार इसके फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। जैसे इसकी साइज़ कितना, ये सब पोजीशन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। पैटर्न पे आने के बाद आप इसका पैटर्न चूज़ कर लेंगे, कैसा पैटर्न आप लगाना चाहते हैं, किस तरीके का पैटर्न में बनाना है। आप पैटर्न चूज़ करने के बाद यहाँ से आप पैटर्न का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका पैटर्न उसी कलर में बनेगा। आप हैचिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के बारे में मैंने अपने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में पूरा बताया हूँ। अगर आप उनके बारे में फुल डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी के साथ साथ आप ट्रांसपेरेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं कोई कलर चूज़ कर रहा हूँ, और कलर चूज़ करने के बाद यदि अगर इस कलर का कोई ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे जा करके इसको हल्का कर सकते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं नो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो पूरा फुल कलर में दिखाई देगा, और अगर ट्रांसपेरेंसी अगर 50% कर देंगे तो ये हाफ कलर में दिखाई देगा। इसी तरह से आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ग्रेडियंट मोड में भी देख सकते हैं। यदि अगर आप अपने पेज में हेडर को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां से हेडर को ऑन कर सकते हैं। हेडर को ऑन करने के बाद आप यहां से हेडर से संबंधित जो भी सेटिंग है इसको आप कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब स्पेसिंग कितना देना चाहते हैं, इन सभी को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप फुटर की सेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से फुटर को ऑन कर सकते हैं। फुटर ऑन करने के बाद आप यहाँ से फुटर को सेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आपका हेडर होता है, हेडर पार्ट आपके पेज के ऊपर होता है और फुटर पार्ट आपके पेज के नीचे होता है। इसी तरह से अगर आप अपने पेज में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर पर जा करके यहाँ से जो भी बॉर्डर लगाना है बॉर्डर की स्टाइल चूज़ करेंगे। बॉर्डर स्टाइल चूज़ करने के बाद बॉर्डर का कलर चूज़ करेंगे। कलर चूज़ करने के बाद इसकी विड्थ कितना रखना चाहते हैं, साथ ही साथ पैडिंग कितना सेट करना चाहते हैं, ये सब पैडिंग वगैरह सेट करके
आप यहाँ से इसकी पोजीशन को भी, जो आपका शैडो होगा शैडो की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, शैडो के लिए कौन सा कलर देना चाहते हैं ये सब कुछ सेट करके डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे अपने पेज पे देख सकते हैं कि यह हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, जैसा भी हमने बॉर्डर चूज़ किया, साथ ही साथ पेज का कलर भी है, ये सब कुछ आप सेट कर लेते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप अपने पेज को कॉलम के रूप में बांटना चाहते हैं, जैसा कभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शैडो भी लगा हुआ है जैसा मैंने यहाँ से सेट किया, अगर आप इसे यहाँ से लेफ़्ट साइड में देखना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से ये लेफ़्ट साइड में आपको शैडो दिखाई देगा। तो ये सभी सेटिंग करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक भी कॉलम नहीं बना हुआ है। यदि अगर आप इसे कॉलम में बांटना चाहते हैं तो आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर आप कॉलम्स कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं, जैसे 2 3 4 जितने भी कॉलम्स आपको बनाने हैं आप उतना बना सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इसी तरह से कॉलम्स को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डबल कॉलम बनाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं डबल कॉलम चूज़ करूँगा। इसके बाद आप यहां से इसके स्टाइल को भी चूज़ कर सकते हैं कि कैसा, अगर कॉलम के बीच में अगर कोई एक सेपरेट लाइन खींचना चाहते हैं तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं अभी नहीं खिंचाई हुई है, तो आप यहां से एक लाइन भी खींच सकते हैं। लाइन का विड्थ कितना रखना चाहते हैं, लाइन का कौन सा कलर देना चाहते हैं, ये सब कुछ सेट करने के बाद इसके बाद आप यहाँ से इसकी हाइट भी दे सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से विड्थ और स्पेसिंग को भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ऑटो विड्थ अगर हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी चौड़ाई हट जाएगी। आप यहाँ से जो पहला कॉलम है उसकी कितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं, साथ ही साथ दूसरा कॉलम उसकी कितना चौड़ाई रखना चाहते हैं और इन दोनों के बीच में कितना स्पेस चाहते हैं, इनको सेट करके, सेट करने के बाद जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पेज में ये दो कॉलम में बढ़ चुका है। इसके बीच में स्पेसिंग भी आपको दिखाई दे रही है कि ये स्पेसिंग है, ये कलर है, ये जैसा भी आप यहाँ से सेट करेंगे देख सकते हैं जैसा मैंने कलर दिया था सेम वैसा ही कलर आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसको मोटा भी कर सकते हैं और अप्लाई करके फिर से पुनः आप दे सकते हैं, स्पेसिंग वगैरह सब कुछ आप इसे बढ़ा सकते हैं, फिर से अप्लाई करके इसे देख सकते हैं। एंड फुट नोट और एंड नोट को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो फुट नोट और एंड नोट को भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से सेपरेटर लाइन को जोड़ सकते हैं, कौन सी स्टाइल में क्या थिकनेस रहेगी, कौन सा कलर रहेगा, क्या लेंथ होनी चाहिए, ये सब कुछ सेट करने के बाद आप यहाँ से एक फुट नोट को भी जोड़ सकते हैं। तो इसे चाहे आप मैक्सिमम फुट नोट हाइट कर लीजिए या फिर नॉट लार्जर देन पेज एरिया, जो आपके पेज एरिया होगी उतनी लंबी नहीं होगी, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके पेज पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। पेज की सेटिंग करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे, जैसा भी आप सेटिंग किए होंगे ठीक उसी तरह से ये पूरा अप्लाई होगा, आपके पेज में दिखाई देगा। आइए दोस्तों अब आपको मैं फॉर्मेट मेनू में यहाँ से अब मैं आपको टाइटल पेज के बारे में बताता हूँ। टाइटल पेज से क्या होता है कि यदि अगर आप किसी पेज को टाइटल पेज के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप टाइटल पेज पर क्लिक करेंगे। टाइटल पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहां से कन्वर्टिंग एग्जिटिंग पेज टू टाइटल पेज, जो आपका पिछला पेज है उसको आप टाइटल पेज के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अथवा इंसर्ट न्यू अ टाइटल पेज, अगर आपने एक नया टाइटल पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहां से नया इस पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ टाइटल पेज, कितना टाइटल पेज बनाना चाहते हैं इसको आप चूज़ कर लेंगे, जैसे एक पेज या दो पेज, जितने भी पेज को आप टाइटल पेज के रूप में रखना चाहते हैं आप इसे चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से और भी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं ये आपका जो पहला पेज है ये आपका टाइटल पेज के रूप में कन्वर्ट हो चुका है और दूसरा जो हमारा पेज था इस तरह से ये नॉर्मल है। आपका ये पहला देख सकते हैं ये टाइटल पेज के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। आइए अब मैं आपको फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से कॉलम के बारे में फिर से बता देता हूँ। आपने देखा था अभी कुछ सेटिंग हमने अप्लाई करके आपको यहाँ से नीचे दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसके लिए क्या करना होता है। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया अथवा नहीं भी सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद आपको जाना है सीधा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आप जाएंगे कॉलम्स पे, और जैसे ही कॉलम्स पे क्लिक करेंगे अभी आपने सेम इसी डायलॉग बॉक्स को आपने देखा था कि यहाँ से कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, कौन सा कॉलम डबल या ट्रिपल जैसा भी रखना होगा। आप यहाँ से आप चाहे ऑटो विड्थ को हटा भी सकते हैं, इसकी स्पेसिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जितना भी रखना चाहते हैं, पहले कॉलम को आप ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, बाकी को कम भी कर सकते हैं। आप उनके बीच में अगर सेपरेट लाइन चाहते हैं तो सेपरेट लाइन भी खींच सकते हैं, किस कलर में खींचना चाहते हैं, कितना विड्थ रखना चाहते हैं, इन सभी को सेटिंग को आप कर लेंगे। करने के बाद ओके करेंगे तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा भी मैंने जितना दूर सेलेक्ट किया था ये उतना दूर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। कौन सा कलर आपने दिया था, कितनी स्पेसिंग दिया था, ये सब कुछ जैसा भी सेटिंग मैंने किया वो सेटिंग आपको अप्लाई होकर के यहाँ पे दिखाई दे रही है।
इसी तरह से आप फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यदि अगर आप कमेंट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कमेंट की फॉर्मेटिंग करने से पहले मैं आपको वाटरमार्क के बारे में बता देता हूँ कि वाटरमार्क क्या होता है। आप जब फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट पे जाने के बाद यदि अगर आप वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं, वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद आप यहां से एक टेक्स्ट देंगे कि कौन सा टेक्स्ट आप वाटरमार्क के रूप में चूज़ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर शब्द यूज़ कर ले रहा हूं, यहां से कौन सा फॉन्ट आप देना चाहते हैं, कितने एंगल पे इसको रखना चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट को। जैसे यहां पे 45 डिग्री यहां पे एंगल पे रहेगा। ट्रांसपेरेंट कितना देना चाहते हैं, मैं इस ट्रांसपेरेंसी को अभी 50% ही रखता हूं। और किस कलर में आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, कौन से कलर में आप इसे वाटरमार्क के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर शब्द है ये पूरी तरह से वाटरमार्क के रूप में आपको दिखाई दे रही है। आइए अब मैं आपको फॉर्मेट पे कमेंट की फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। कमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पेज में किसी भी प्रकार का कमेंट होना चाहिए, और कमेंट देने के लिए आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार में आपको यहाँ पे कमेंट मिलता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट के साथ सी होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। इस कमेंट बॉक्स में आप जो भी कमेंट देना चाहते हैं उस कमेंट को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे यस कंप्यूटर दे दिया, तो ये इसके बारे में एक कमेंट हो चुका है। अगर इस कमेंट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप यहां से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहां से कमेंट की फॉर्मेटिंग करना है तो आपको कमेंट पे जाना होगा, और कमेंट पे जाने के बाद आप यहां से फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें जो ये फॉन्ट लिखा गया है, ये कौन सा फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं। बोल्ड इटैलिक भी चाहिए, इसकी साइज भी सेट करना है, ये सब सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फॉन्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कौन सा फॉन्ट का कलर आप रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइनिंग। इन सभी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। उस वीडियो को आपने यदि अगर नहीं देखा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके उस वीडियो से इस फॉन्ट इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको पोजीशन के बारे में भी उस वीडियो में बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि किस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाईलाइटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, कौन से कलर में इसको हाईलाइट करना चाहते हैं ये कलर भी दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ, तो येलो कलर लेने के बाद आप चाहे तो यहाँ से पिक भी कर सकते हैं या दूसरा कोई कलर ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि सेम सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आज आपने सीखा यहाँ से कि किस तरह से आप पेज की स्टाइल करते हैं, किस तरह से आप टाइटल पेज को बनाते हैं, कैसे कमेंट दिया जाता है, कमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से आप कॉलम में बदलेंगे अपने टेक्स्ट को, किस तरह से आप वाटरमार्क का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।